वेलकम टू माय ट्विटर चैनल। आज हम करने वाले हैं जो लांगराज मीन वैल्यू थ्योरम है, जो लांगराज माध्यमान प्रमेय है, ये हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने पढ़ी थी रोले प्रमेय, पढ़ी थी रोले थ्योरम, पढ़ी थी रोले थ्योरम क्या थी तो वो मैंने कल आपको करवा रखा, पिछले वीडियो लेक्चर में वो मैंने उसको करवा दिया था। आज हम करने वाले हैं लांगराज माध्यमान प्रमेय। अब ये जो लांगराज माध्यमान जो प्रमेय है ये क्या होती है, अब इसके बारे में समझते हैं। तो मैं देखो दो ग्राफ बनाता हूं और दो ग्राफों से मैं लांगराज माध्यमान प्रमेय को समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखो ये अपना मान लो अक्ष है और ये अपना वाई अक्ष, ये अपना क्या हो गया, ओरिजिन हो गया, मूल बिंदु हो गया, ठीक है। एक और ग्राफ बना लेता हूं मैं ऐसा ही, ये लीजिए, ये अपना अक्ष है, ये अपना वाई अक्ष, ये अपना क्या है, ओरिजिन है, मूल बिंदु है। तो देखो अब यहां मैं क्या करता हूं, एक वक्र बनाता हूं। अब एक वक्र कैसा भी आप बना सकते हो, ये लीजिए, ये मैंने क्या बना लिया, वक्र बना लिया। एक और बना लेता हूं मैं, यहां से बना लेता हूं, ये लीजिए, ये एक और मैंने क्या बना लिया, वक्र बना लिया। अब मैंने जो दो वक्र बनाए हैं, ये जो अंतराल है, अंतराल क्या है, अंतराल यहां मान लो कि ये तो अपनी x की वैल्यू क्या है, a, a से लेकर के कहां तक बनाया है मैंने, b तक। ये भी मैंने अंतराल कहां से कहां तक बनाया है, a से लेकर के कहां तक बनाया है, b तक बनाया है। अंतराल a से b तक मैंने कितने ग्राफ बनाए हैं, दो ग्राफ बनाए हैं, और भी हो सकते हैं कई सारे, लेकिन मैंने केवल कितने ग्राफ बनाए हैं, दो। इन दो से ही अपन समझते हैं। अब आपको ये जो ग्राफ है ये मान लो किसका है अपने पास में, एफ एक्स का ग्राफ है, ठीक है। थोड़ा सा अलग लिख देता हूं मैं कि ये ग्राफ किसका है अपना, ये ग्राफ है अपना एफ एक्स का है, और एफ एक्स को ये अपन क्या बोलते हैं, ध्यान में होगा वाई बोला करते हैं। ये भी ग्राफ किसका है, एफ एक्स का है ना। अब अपन बात करें कि जो एफ एक्स है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या होगा, अब आप इसको बता सकते हो ये पॉइंट क्या है। तो ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट होगा, अरे पहले तो ऊपर लिखते हैं हमेशा अक्स, अरे कोई भी पॉइंट होता है अक्स कोमा वाई के फॉर्म में होता है, अरे ऐसा ही तो होता है, कोई भी जो बिंदु होता है अक्स कोमा वाई के फॉर्म में ही अपन रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ में। तो ये तो अक्स की वैल्यू कितनी होगी ए, और वाई की वैल्यू कितनी होगी एफ ऑफ अक्स, मतलब अक्स की जगह क्या रखना है ए, अरे ए रखने पर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए हो जाएगा। यहां की बात करूं मैं तो ये पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, अरे अक्स की वैल्यू तो कितनी है बी, अक्स का मान तो है बी, और जो वाई का मान आएगा वो क्या हो जाएगा एफ ऑफ बी, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, ये कितने बिंदु आ गए अपने पास में, दो बिंदु, एक तो ए वाला और एक बी वाला, दो बिंदु आ गए। अब मैं बात करूं कि इनको मिलाने वाली, इनको मिलाने वाली लाइन कौन सी है, इनको मिलाने वाली लाइन क्या यही है क्या, इनको मिलाने वाली लाइन ये है स्टार्टिंग पॉइंट और जो एंड पॉइंट है, इनको मिलाने वाली रेखा ये है। अब रेखा ये है तो कोई भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो होती है उसकी प्रवणता कैसे ज्ञात करते हैं, आपको ध्यान होगा कोई भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली, एक तो बिंदु अपना क्या होता है एक्स वन वाई वन, एक को क्या मान लेते हैं अपन एक्स टू वाई टू, तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता सभी को ध्यान में होगी, इलेवंथ क्लास में आपने पढ़ रखा है। तो उसकी जो प्रवणता होती है, जो एम का मान होगा वो क्या होगा वाई टू माइनस वाई वन, अरे वाई टू माइनस वाई वन मतलब एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बटा x2 माइनस x1, तो x2 तो कितना है b माइनस x1 कितना है a, यही तो होती है उसकी प्रवणता। तो ये दो बिंदुओं को बनाने वाली रेखा की प्रवणता आ गई। अब आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहले देखो एक कंडीशन अपने को ये चेक करनी है कि सबसे पहले ये जो अपना जो फलन है जो fx है, ये जो कंडीशन है मैं कंडीशन भी लिख देता हूं, सबसे जो फर्स्ट कंडीशन है वो अपने को ध्यान रखनी है कि जो fx जो है वो अंतराल ए से बी में क्या होना चाहिए, अरे जब भी चाहे रोले पर में हो चाहे लांगराज पर में हो, तो पहली कंडीशन तो ये कि ये अपना क्या होना चाहिए कंटिन्यूस फंक्शन होना चाहिए। देखो संतत है कि नहीं, कहां से कहां तक ए से बी में, अरे ए से बी तो है, अपने को अंतराल वो खुद देगा चाहे रोले पर में हो चाहे लांगराज पर में हो, किसी ना किसी अंतराल में ही तो लगेगी। तो ठीक है, इस अंतराल में क्या होना चाहिए, पहली चीज तो संतत होनी चाहिए, संतत होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज जो एफ एक्स है, अंतराल
अब की बार अंतराल कौन सा होगा, जो इंटरवल होगा वो कौन सा होगा, ओपन इंटरवल होगा। ध्यान में इसमें ए और बी इंक्लूड नहीं किया क्योंकि इन पर अपन जो डिफरेंशिएबिलिटी है वो अपन प्रूव नहीं कर पाते हैं, इसलिए इनको छोड़ दिया। बाकी रोल पर मैंने बताया था, और जो कंटिन्यूस जो फंक्शन था कंटिन्यूटी मैंने बताई थी, सिक्स जो चैप्टर था उसमें भी मैंने आपको करवा रखा था कि क्यों नहीं रहते हैं। तो ए से बी में क्या होना चाहिए, ये अपना अवकलनीय होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अवकलीय होना चाहिए। ठीक है, यदि अपनी दो कंडीशन सेटिस्फाई करती है, अरे देखो रोले प्रमेय में तो तीन कंडीशन थी, एक तो संतत होनी चाहिए, दूसरी अवकलनीय होनी चाहिए, तीसरी एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी होना चाहिए। जैसे यहां देखो एफ ऑफ ए ये रहा, अरे एफ ऑफ ए ये है और एफ ऑफ बी ये है, तो दोनों बराबर है क्या, अरे एफ ऑफ ए का मतलब वाई का मान है, तो एफ ओफ ए यहाँ पर देखो हाइट ए रखने पर जो एफ एक्स का ग्राफ यहाँ है और बी रखने पर यहाँ है, बराबर है क्या, बराबर नहीं। यहाँ देखो ये एफ ओफ ए तो कहाँ है, यहाँ है, एफ ओफ बी कहाँ है, यहाँ है, तो क्या बताओ ये और ये बराबर है क्या, नहीं बराबर है ना। तो रोले पर मेरे लिए वो कंडीशन थी, इसमें ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती। इसमें केवल दो चीज अपने को पता होनी चाहिए, पहला जो इंटरवल अपने देखा उसमें संतत होने चाहिए, दूसरा अवकलनीय है, अवकलनीय है संतत है तो अपनी लांगराज मध्यमान प्रमेय लागू होगी, लांगराज मीन वैल्यू थ्योरम यहाँ अपने सोल्व कर सकते हैं, लगा सकते हैं, यहाँ लग सकती है तो लगेगी। तो ये लांगराज मीन वैल्यू थ्योरम क्या है, तो वो भी मैंने आपको यहाँ थोड़ा सा आपको बताया है कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है, ये जो है मिलाने वाली जो रेखा है इसकी प्रवणता ये आ गई, और देखो इसी के समांतर कोई ना कोई स्पर्श रेखा होगी क्या, इस पर किस पर, अपने वक्र पर इसके समांतर कोई रेखा है क्या, सॉरी स्पर्श रेखा है क्या, बिल्कुल होगी। देखो कोई ना कोई स्पर्श रेखा जरूर होगी जो, अच्छा इसके समांतर नहीं दिख रही तो समांतर आप बना लेना, अरे कहीं ना कहीं तो होगी ना समांतर, ये लीजिए ये इसके क्या है, समांतर है, कम से कम एक बिंदु ऐसा मिलेगा, अरे जो वक्र है तो वक्र पर कम से कम एक बिंदु ऐसा मिलेगा जहां पर उसकी जो प्रवणता है, अरे जिस बिंदु पर जो स्पर्श रेखा की प्रवणता है, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता के क्या हो जाए, बराबर है। आपको ध्यान होगा कोई भी दो रेखाएं समांतर होती है, समांतर होती है तो उनकी प्रवणताएं भी क्या होती है, बराबर होती है। तो देखो ये बिंदु क्या मान लेता हूं मैं अपने मन से, इस बिंदु को मान लेता हूं मैं सी, ये जो बिंदु है ये जो मेरे को दिखाई दे रहा है, इस बिंदु को मैं क्या मान रहा हूं सी, तो इस सी पर इसकी प्रवणता, प्रवणता का मतलब एफ डैश सी भी इसको बोल सकते हैं, प्रवणता का मतलब एम भी होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स भी बोलते हैं, वाई डैश भी बोलते हैं, एम भी बोलते हैं और एफ डैश अक्ष भी बोलते हैं। तो एफ डैश अक्ष निकालोगे और एफ डैश अक्ष जो प्रवणता है वो कहां पर, अक्ष की जगह क्या रख दोगे सी, अरे प्रवणता सी पर ही तो चेक करनी है, तो सी पर ये क्या होगी। अच्छा अब आप बताओ यहां पर भी प्रवणता जो है ये क्या आएगी, एफ डैश सी आएगी, तो दोनों बराबर होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो एफ डैश सी बराबर क्या हो गया अपना, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बटा बी माइनस ए, ये अपना क्या होगा फॉर्मूला बन गया किसका, लांगराज माध्यमान प्रमेय का, कि कम से कम एक बिंदु ऐसा मिलेगा जहां पर एफ डैश सी बराबर क्या हो, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए हो। यहां से अपन किसका मान निकालेंगे, सी का, तो सी का मान अपने को मिल जाएगा, कम से कम एक बोला है, कम से कम एक बिंदु तो मिलेगा ही मिलेगा, ज्यादा भी मिल सकते हैं। देखो ज्यादा कैसे, मैं यहां मिलाता हूं, ये तो अपना क्या है ए कोमा एफ ऑफ ए, और ये जो पॉइंट है वो क्या है, ये जो पॉइंट है वो अपने पास में है बी कोमा एफ ऑफ बी, अरे बी कोमा एफ ऑफ बी, तो मिलाऊंगा इनको, मिलाने वाली जो रेखा होगी इनको, अच्छा अब कैसे भी हो मिलाने वाला था ना, तो इनको जो मिलाने वाली जो रेखा है, अब इसके समांतर कई सारी लाइनें हो सकती है, देखो इसके समांतर ये भी हो सकती है, यहाँ पर भी हो रही है समांतर और यहाँ पर भी हो रही है, कई सारी हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है, अपने को पता नहीं है अभी, है ना। तो देखो ये जो बिंदु है ये भी किसका मान है, सी का, ये भी किसका मान है, सी का, ये भी किसका मान है, सी का, तो कितने मान मिलेंगे अपने को, तीन मान मिलेंगे, जिसको मैं क्या बोलता हूँ सी वन सी टू और सी थ्री, कुछ भी बोल सकते हो, है ना। तो सी के कितने मान मिलेंगे, यहाँ से कितने मान मिल रहे हैं अपने को, तीन, तीन, यहां से कितना मिल रहा है एक, तो कम से कम एक बिंदु तो ऐसा मिलेगा ही मिलेगा जहां पर जो प्रवणता है वो इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता के बराबर हो जाए। तो ये अपनी क्या है, लांगराज माध्यमान प्रमेय है। तो यदि ये समझ में आ गई तो अब इसके क्या करेंगे, जो क्वेश्चंस है वो आसानी से समझ में आ जाएंगे, और क्वेश्चंस से ही अपने लांगराज जो माध्यमान प्रमेय है ये समझ में आने वाली है।
अब करते हैं अपन जो लांगरात मध्यमान प्रमेय है इसके क्वेश्चंस। तो देखो क्वेश्चंस देखो अपने को ये दे रखा है कि निम्न फलनों के लिए लांगराज मध्यमान प्रमेय की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखो क्वेश्चन अपने पास ए बी और सी, देखो सब में आपको अंतराल तो मिलेगा ही मिलेगा, तो अंतराल तो है ही। हाँ अब मैं स्टार्ट करता हूँ कहाँ से, प्रश्न नंबर बी से, इस बी वाले से शुरुआत करता हूँ। तो देखो सबसे पहले जो कंडीशन है वो क्या लगानी होती है अपने को ध्यान में है ही, जो कंडीशन है वो क्या लगाते हो, सबसे पहले तो अपने को ये चेक करना है कि ये जो फलन है इस अंतराल में क्या होना चाहिए, संतत होना चाहिए। अब चेक कीजिए क्या ये संतत है क्या, तो मैं चेक करता हूं। अब चेक करने के लिए जब आपको बटा वाले जो फंक्शन दिखाई देते हैं जो पी अपॉन क्यू वाले दिखाई देते हैं, तो नीचे वाला जो है वो बस अपना जीरो नहीं होना चाहिए। अरे गड़बड़ वही होती है जब नीचे वाला क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, बाकी हर जगह क्या होते हैं ये संतत होते हैं। तो देखो मैं क्या करूं, नीचे वाला गड़बड़ क्या हो रहा है बताओ, जब अक्ष का मान क्या रखूं कि नीचे वाला जीरो हो जाए, तो देखो अक्ष का मान एक रखने पर गड़बड़ हो रहा है मामला। देखो एक नीचे एक रखते ही देखो क्या आ गया, जीरो आ गया। और एक अपने चेक करो इस अंतराल में है कि नहीं है, जीरो से दो के बीच में आता है क्या, एक आता है, तो मतलब जीरो से दो के बीच में कहां पर संतत नहीं है, ये एक पर संतत नहीं है। ठीक है क्यों संतत नहीं है, क्योंकि एक रखने पर नीचे क्या आ जा रहा है, जीरो आ जा रहा है, तो ये संतत नहीं होगा। तो इतना एक पर संतत नहीं है तो इस अंतराल में भी क्या होगा, संतत नहीं होगा। अरे चाहे बाकी हर जगह संतत हो लेकिन अंतराल में एक जगह भी गड़बड़ हो गया अपने मामला, तो पूरी जगह ही वो क्या होता है, गड़बड़ी हो गया, असंतत ही हो गया ना। तो लिख देना कि जो एफ एक्स है, एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस चार बटा एक्स माइनस एक, अंतराल अंतराल क्या, अंतराल जीरो से दो में क्या नहीं है, संतत, लिख देना पूरा संतत नहीं है। अतः ये जो लांगराज मध्यमान प्रमेय है वो लागू ही नहीं होगी। अरे जब पहली बात ही गलत हो गई तो आगे तो चेक करना ही नहीं, जो संतत नहीं होते वो अवकलनीय भी नहीं होंगे, और अवकलनीय नहीं होंगे तो अपन डोले प्रमेय या सॉरी जो लांगराज मध्यमान प्रमेय है ये लागू नहीं कर सकते। तो ये अपना बस इतना ही खत्म, ये अपना काम हो गया, इतना ही था। अब मैं बात करता हूँ किसकी, ए वाले की। अब आते हैं ए वाले पर, अब ये कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या। हाँ देखो कई बार क्या होता है, जैसे मान लो आपको मिल गया एफ एक्स बराबर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस तीन एक्स प्लस दो, अंतराल दे दिया मान लो आपको, दे दिया कितना, जीरो से दो दे दिया, इस अंतराल में अपने को चेक करना है। तो ये तो बहुपद फलन है, बहुपद फलन तो हमेशा ही क्या होते हैं, संतत होते हैं। अरे बटा में तो कुछ है ही नहीं ना, ये तो हर जगह क्या होते हैं, संतत होते हैं, तो आराम से इसको सोल्व कर सकते हो। और ये समझे बहुपद फलन है, हमेशा ही क्या होते हैं, अवकलनीय होते हैं, तो चेक करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन लिखना तो पड़ेगा ना अपने को कि जो एफ एक्स है, एफ एक्स अंतराल जीरो से दो में संतत है, जो एफ एक्स है अंतराल, अब की बार अंतराल कौन सा हो जाएगा, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल जीरो से दो में क्या होगा, अवकलनीय होगा, तो क्या होगी अपनी रोले सॉरी लांगराज मध्यमान प्रमेय लागू होगी, और लागू होगी तो फिर अपन फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखो इससे मैं बताता हूं, बाकी इसको तो आप आसानी से खुद कर सकते हो कि कैसे सोल्व करोगे, यदि ये बता दूंगा तो ये आसानी से सोल्व करोगे। तो देखो इसकी बात करता हूं, तो इसकी पे बात करूं तो सबसे फर्स्ट कंडीशन जो है वो क्या है, फर्स्ट कंडीशन अपनी यही है कि ये जो अपना एफ एक्स है, लिखना एफ एक्स बराबर एक्स प्लस एक बटा एक्स, ये चेक करना है जो अपना अंतराल है, अंतराल क्या है एक से तीन में, बताओ संतत है या नहीं, अपने को ये चेक करना है संतत है या नहीं है। तो देखे चेक करूं मैं, तो चेक करूंगा, चेक करने का तरीका क्या, हाँ बटा में जीरो नहीं आना चाहिए, तो जीरो कहाँ आ रहा है, देखो गड़बड़ कहाँ हो रहा है ये मामला, जब बटा में जीरो आते ही, जब अक्स की जगह क्या रख दूं, जीरो रख दूं, तो दिक्कत हो रही है। तो इसको दिक्कत कहाँ होती है, इसको दिक्कत हो रही है अपने कहाँ पर, जीरो पर। लेकिन अरे दिक्कत तो जीरो पर हो रही है, लेकिन ये जो जीरो है वो अपनी क्लास में है क्या, अरे इस इंटरवल में है क्या, एक से तीन में नहीं है, तो अपने को क्या मतलब है, अरे इसको दिक्कत तो जीरो पर ही हुई ना, लेकिन जो जीरो है वो अपनी क्लास में ही नहीं, अपने अंतराल में नहीं है, तो अपने को कोई मतलब नहीं है जीरो से। हाँ जीरो, देखो यहां दिक्कत क्या हो रही थी कि देखो इसको गड़बड़, ये गड़बड़ हो रहा कहां था, जब एक रखू, और जो एक था वो हमारे इस अंतराल में आ रहा था, इस अंतराल में आ रहा था, इसलिए अपने को समस्या हुई थी, प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। लेकिन लेकिन इसको दिक्कत हो रही है जीरो पर, और जीरो अपने इस अंतराल में नहीं है, तो इस जीरो से अपने को कोई लेना देना नहीं है, अपने को केवल और केवल लेना देना किससे, लेना देना मतलब अपने को केवल काम किससे है, एक से तीन के बीच में काम है, एक तीन और एक से तीन के बीच में अपने को काम है। अब एक से तीन के बीच में कहीं दिक्कत हो रही है कि इसको, नहीं हो रही,
कहीं नहीं हो रही, तो अपने को भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है, हाँ ये संतत है या नहीं है, बिल्कुल है। हाँ यदि अंतराल क्या होता, ऐसा होता -1 से 3, तब तो अपने को दिक्कत होती, क्योंकि -1 से 3 के बीच में 0 भी आ रहा था, तो ये क्या हो जाता, -1 से 3 में संतत नहीं है, तो अपना जो लागराज मध्यमान परमेय है ये लागू नहीं होती। तो मैं क्या करता हूं, अभी अपने देखो जो क्वेश्चन की बात करते हैं, तो क्वेश्चन अपना ये था। अब दूसरा कि ये जो अपना फलन है जो एफ एक्स है, तो ये अपना अवकलनीय है या नहीं, तो मैं क्या करता हूं एक बार अवकलन करके देख लेता हूं। तो अवकलन करूंगा मतलब एफ डे एक्स करूंगा, तो एक्स का तो कितना हो गया, 1 हो गया, और 1 बटा एक्स का करोगे तो -1/x2, काम खत्म। बस अब देखो इसको दिक्कत कहीं हो रही है क्या, एफ डेस करने पर इसको प्रॉब्लम क्या हो रही है, वही 0 पर, लेकिन 0 पर इस इंटरवल में नहीं है, तो अपने को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं है तो लिख दीजिए जो एफ एक्स है, लिख देना पूरा एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स प्लस 1/x, जो अंतराल, अंतराल क्या है 1 से 3 में क्या है, अवकलनीय, अवकलनीय है, ठीक है अवकलनीय है, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। हाँ तो अब क्या होगी अपनी, तो जो लागराज माध्यमान परमेय लागू होगी, और लागू होगी तो अपन सोल्व भी कर लेते हैं। तो लागू होगी तो फॉर्मूला क्या था अपना, एफ डी सी बराबर क्या था, एफ ऑफ डी माइनस एफ ऑफ ए बटा बी माइनस ए। तो मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ, तो सोल्व करूंगा तो अपने को क्या मिलेगा, देखो सोल्व करने पर एफ डे सी, एफ डे सी का मतलब एफ डेस एक्स तो अपने निकाल लिया, अरे एफ डेस एक्स तो अपने निकाल रखा है, बस इसमें एक्स की जगह क्या पुट कर दीजिए सी। यदि यहाँ सी रखोगे तो आएगा क्या, यहाँ से आपको मिलेगा क्या, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है क्या मिलेगा, 1 - 1/c2, और बराबर इसको सोल्व करोगे एफ ऑफ बी, एफ ऑफ बी मतलब बी की जगह कितना रखोगे आप, b की जगह देखो ये b है, ये अपना क्या है a है, तो f ऑफ 3 - f ऑफ a, a की जगह कितना है 1 है, बटा b की जगह कितना था 3 - 1, सोल्व कर लेते हैं कितना, 1 - 1/c2 बराबर f ऑफ 3 रखोगे तो f ऑफ 3, f में x की जगह 3 रखना, तो 3 रखने पर कितना आएगा 3 + 1/3, ये तो आएगा, अरे क्या हो जाएगा 3 + 1/3 हो जाएगा, तो 3 + 1/3, तो सोल्व करने पर कितना हो गया 3 × 9 = 10, 10/3 माइनस का चिन्ह है 1, 1 रखने पर क्या आएगा 1 + 1/1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और बटा में कितना आ गया, बटा में आ गया 2, तो सोल्व करते हैं 1 - 2² बराबर कितना हो गया, ऊपर सोल्व करोगे तो 3 × 2 = 6, 10 में से 6 गया तो कितना आ गया 4 - 4/3, और बटा में कितना है 2 / क्या मान लीजिए 1, तो ये तो कटता हुआ दिखाई दिया मेरे को कितना 2, तो ये आ गया कितना 1 - 1/c² बराबर कितना हो गया 2/3, इसको ये बन जाओ 1/c² बराबर 1 - 2/3, अरे सी वाले को एक तरफ बाकी को एक तरफ, बस सोल्व तो करना है इसको, तो सोल्व कर रहा हूँ ठीक है, तो सोल्व किया तो 1/c² बराबर कितना मिला 3 × 3 -2 कितना हो गया 1/3, तो क्या आ गया, तो आपको क्या मिल रहा है c² बराबर कितना मिल गया 3 मिल गया, अरे वज्र गुणा करोगे तो c² बराबर 3, c बराबर कितना हो गया +√3 हो गया। अब ये जो है, अब √3 भी आ रहा है -√3 भी आ रहा है, लेकिन अपना जो अंतराल है वो किसके बीच में है, 1 से 3 के बीच में है, और √3 का मान कितना होता है 1.7 होता है लगभग ना, 1.732 आगे तक चलता है, तो अपने को कितना मानना है 1.7 है लगभग ना, तो 1.7 प्लस का भी है और माइनस का भी है, लेकिन लेंगे कौन सा, जो अपना इस अंतराल में आ रहा है, जो अपना आंसर होगा जो सी होगा, इस इंटरवल के बीच में ही होगा, मेरे रोल पेपर में भी आपको बताया था ठीक है। तो देखो अब मैं लेऊंगा कौन सा, केवल और केवल प्लस वाला, क्योंकि किसमें है, जो 1 से 3 के बीच में है, और हमेशा यहाँ कौन सा इंटरवल आएगा, ओपन इंटरवल ही आएगा, 1 से 3 के बीच में है, अपना 1 भी नहीं होना चाहिए 3 भी नहीं होना चाहिए, इनके केवल और केवल क्या होना चाहिए, बीच में, तो अपना आ गया। अरे क्योंकि इन पर तो अपन प्रवणता निकाल ही नहीं सकते कि प्रवणता क्या आएगी, है ना ठीक है। तो देखो अपना ये मान मिल गया, सी का मान कितना मिल गया, √3 मिल गया, तो कम से कम एक मान मिला कि नहीं मिला, बिल्कुल मिला, और भी अपने को मिल सकते थे, तो आप सोल्व कर सकते हो इस प्रकार से। अब करता हूं देखो, एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, अब कैसे सोल्व करें, तो सबसे पहले आप चेक कीजिए कि अच्छा अंतराल क्या है 1 से 3, तो 1 से 3 के बीच में अपने को बीच में तोड़ दिया, 2 से छोटा और 2 से बड़ा, 2 से छोटा भी है और 2 से बड़ा भी है ठीक है, तो अपने को दिक्कत क्या हो सकती है, देखो 2 से छोटे पर कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 से छोटे पर जो बड़ा ये क्या है,
बहुपद है तो बहुपद फलन हमेशा क्या होते हैं संतत, ये दो से बड़ा है ये बहुपद फलन हमेशा क्या होते हैं संतत। दिक्कत कहाँ हो सकती है दो पर, अलग अलग कहां पर हुआ दो पर, तो तोड़ा कहां पर दो पर, अलग अलग दो पर हो रहा तो दो पर चेक कीजिए। कैसे चेक करोगे, डायरेक्ट मैंने आपको बताया था आप जो दो है इसमें भी रख दीजिए इसमें भी रख दीजिए, दो यदि यहां रखोगे तो दो और एक कितना हो रहा है तीन हो रहा है, एफ एक्स बराबर ये कितना हो गया ये तो हो गया तीन, और यहां रखोगे दो अरे दो इसमें भी रखोगे तो कितना आ रहा तीन, बताओ बराबर है क्या, बिल्कुल बराबर है। यदि बराबर है तो ये क्या है संतत, तो लिख देना जो एफ एक्स है अंतराल एक से तीन में क्या होगा संतत होगा। अगला है, अगली चीज अपन क्या चेक करते हैं अवकलनीयता, अवकलनीयता के लिए मैंने आपको बताया था कैसे चेक करते हैं, मैंने क्या बोला था डायरेक्ट आप एफ डे सक्स कर लीजिए, एफ डे सक्स करोगे तो अवकलन करो कितना हो गया एक, एक का कितना हो गया जीरो, पांच का तो क्या हो गया जीरो माइनस तो है अक्स का कितना एक, ठीक है और ये जो है अक्स का मान ये लीजिए। अब देखो दो इसमें भी रख दीजिए दो इसमें भी रख दीजिए, तो बताओ दो इसमें अच्छा रखने के लिए जगह ही नहीं है एक्स की जगह है ही नहीं तो करें क्या बताओ, कुछ नहीं करना बस आपको अरे एक्स आया ही नहीं ना, हाँ यदि एक्स होता तो उसकी जगह में रख देता, नहीं है तो मत रखो, तो बताओ ये क्या दोनों बराबर है क्या, बराबर नहीं है तो ये अवकलनीय नहीं है, तो आप लिख देना कि जो एफ एक्स है अंतराल एक से तीन में, अच्छा इसका भी अंतराल एक से तीन ही था कोई बात नहीं, इसका भी अंतराल क्या है एक से तीन ही है, तो एक से तीन में ये क्या नहीं है अवकलनीय नहीं है, अरे क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं आ रहे तो ये क्या होगा अपना क्या हो जाएगा अरे अवकलनीय नहीं है तो अपना रोल ये सॉरी जो लांगराज माध्यमान प्रमेय है ये भी लागू नहीं होगी। तो इस प्रकार से जो लांगराज माध्यमान प्रमेय है ये भी अपनी खत्म होती है, और जो प्रश्नावली जो सात है ठीक है ये भी मैंने कंप्लीट करवा दी है, ये अपना किसमें था 7.6 में। अब आप खुद से प्रयास कीजिएगा इसकी जो विविध है वो भी सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, और जो नहीं आता है इसकी प्रैक्टिस कीजिए, जो प्रश्न और सात है कंप्लीट आप सॉल्व कीजिए, जो नहीं आते कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो मैं जो डाउट क्लास है इसके बाद में एक डाउट क्लास लूंगा दो तीन दिन बाद में, आपको दो तीन दिन का समय मिलता है तो दो तीन दिन के समय में आप आराम से किसको सॉल्व कर लीजिए, जो प्रश्न और सात है 7.1 से लेकर के 7.6 तक, और जो विविध है उदाहरण है सबको सॉल्व कीजिए, और उसके बाद में दो तीन दिन बाद में इसकी डाउट क्लास ले लूंगा। तो दो तीन दिन में आप मेरे को भेज दीजिए इसके कौन कौन से क्वेश्चन आपको नहीं आते, क्योंकि आपको समय लगेगा प्रश्नावली सोल्व करने में 7.1 से लेकर के विविध तक सोल्व करने में, तो सोल्व कीजिए और मेरे को भेज दीजिए ताकि डाउट क्लास में सबका आंसर करवा दूंगा।